सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के बीएड अभ्यर्थी परेशान। अभ्यर्थी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी उम्मीदवारी रहेगी या नहीं। प्राथमिक कक्षा में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को न शामिल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थी उलझन में हैं। दोस्तों, शिक्षक अभ्यर्थी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक बहाली परीक्षा में शामिल किया जाएगा या नहीं। इस संबंध में सातवें चरण शिक्षक बहाली के लिए संघर्षरत रहे बिहार प्राथमिक युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बिहार सरकार से तुरंत हस्तक्षेप कर शिक्षक अभ्यर्थियों की दुविधा को समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में 79,943 पदों पर नियुक्ति हेतु बीपीएससी द्वारा 24 अगस्त से परीक्षा प्रस्तावित है, जिसमें 5,00,000 से अधिक बीएड योग्यताधारी शिक्षक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनकी उम्मीदवारी पर संकट है। बीएड पास अभ्यर्थी एनसीटीई 2018 के नियमों के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाने के योग्य है। एनसीटीई ने 2018 में आदेश दिया था कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के योग्य हैं। उन्हें लगने के बाद या टीचर में सिलेक्शन होने के बाद एक ब्रिज 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता है, लेकिन अब नए निर्णय के अनुसार बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के नए निर्णय के अनुसार बीएड अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। बीपीएससी ने कहा तय समय पर होगी परीक्षा।